हेलो एवरीवन, मैं निखिल शुक्ला। तो यार, मैं अपनी टियागो में इस समय बैठा हूँ, ये देख लो, सीएनजी वाली में। और इसमें फिर से एक प्रॉब्लम आ गई है यार। अब मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ क्या है। ये मैंने देखो चाबी डाली, ये ठीक है, और मैंने क्लच दबाया, सुन रहे हो आप, ये मैं स्टार्ट दे रहा हूँ गाड़ी में। गाड़ी मेरी स्टार्ट ही नहीं हो रही यार, पता नहीं क्या हो गया इस कार में, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसकी शुरुआत ऐसे होती है, कल दोपहर में मैं कार चला रहा था और तभी अचानक से मेरे से चाबी कट जाती है, कार की पैर लग जाता है तो कार बंद हो जाती है चलते 20 की स्पीड में। फिर मैं इसकी चाबी काटता हूँ और हल्के चलती हुई कार में क्लच दबा के स्टार्ट करता हूँ, पर स्टार्ट नहीं होती। फिर मैं इसे रोकता हूँ, पूरी कार फिर से बंद करता हूँ और फिर स्टार्ट कर देता हूँ। तो इसमें इस तरह इंजन चेक लाइट आ गई, ठीक है, मैंने सोचा आ गई होगी यार, शायद कुछ चीज की वजह से फॉल्ट हो गया होगा, कोई नहीं। फिर मैं इस गाड़ी को लेकर के अपने घर पे आ जाता हूँ, और घर पे मैं जैसे ही आता हूँ तो यार ये गाड़ी बस मैं खड़ी करता हूँ, देख लो मैंने अपने घर के पास एक गाड़ी लगाई ही है, और ये गाड़ी रिवर्स में मैं करके कर रहा था और ये अचानक से झटके मार के बंद हो गई, और उसके बाद ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई है। और अब यार मैं परेशान हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ इस गाड़ी का। ये देखो, अब मैं क्लच मैंने दबा दिया है, ठीक है, और अब मैं सेल्फ दूंगा, देख कट 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 की आवाज आएगी, सुनना आप। तो अरे मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। 18,000 किलोमीटर लमसम गाड़ी चली है, अभी 1-1.5 महीने पहले मैंने इसकी थर्ड सर्विस करवाई थी। मेरे तो यार समझ से ही परे यार, ये बड़ा अजीब सा लगता है, बहुत गुस्सा सा आता है जब ऐसे होता है। अब मैं जा रहा हूँ, पहले तो लोकल मैकेनिक के पास जाऊंगा, शायद वही इसको सही कर दे, क्योंकि मेरे घर से टाटा का सर्विस सेंटर लगभग 40 किलोमीटर दूर है। तो पहले तो मैं लोकल मैकेनिक के पास ही जाता हूँ, वो सही कर दे, अदरवाइज फिर देखेंगे टाटा वगैरह का कुछ कैसे करते हैं वो। तो चलो अभी तो लोकल मैकेनिक को बुला के लाता हूँ, फिर बताता हूँ आपको आगे की स्टोरी। तो अभी अपनी बाइक से हम जा रहे हैं लोकल मैकेनिक के पास, और यार सिर्फ 8 महीने पुरानी गाड़ी है वो, और उसमें भी ये प्रॉब्लम आ गई। ये चीज़ यार बहुत ही अजीब लगती है, ऐसे पार्ट नहीं गाड़ी में इतनी बड़ी। एक बार और इसमें चेक इंजन लाइट की प्रॉब्लम आई थी, प्रॉब्लम बहुत आ रही है इस गाड़ी में मेरे को। तो यार मैकेनिक को हम लोग बुला करके ले आए हैं, और अभी गाड़ी में देखो बोनट खोल दिया गया है, उसको चेक किया जा रहा है, हमारा ना कि बैटरी डाउन है, क्या क्या कमी है इसमें। 0-0 बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा, मतलब बैटरी डाउन है, कुछ नहीं बता रहा। किसी को तो बता दे, किसी को नहीं बता रही है। 12 तक जानी चाहिए इसे। करंट तो नहीं है, इसकी वजह से नहीं बता रही है, पता नहीं क्या है। करेंगे कि मोनू को इस आदमी को धक्का मरवाने ले चलते हैं, ये धक्का मारेगा हम बैठे। धक्का हम दो लोग कैसे मारेंगे यार, नई गाड़ी में एक बैटरी रिचार्ज हो कैसे गई, कल तो गाड़ी चल के आई थी। होती रहती है, दो मोटे आदमी थे, अब क्या बताया जाए यार, वो खा रहे थे, ठूस रहे थे। नई नई गाड़ी की बैटरी रिचार्ज हो गई, बताओ। चलो अब धक्का ही मार के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्टार्ट हो जाए तो अच्छी बात है ना उज्जवल। हाँ बहुत अच्छी बात है, ये पूरा देख रहे, धक्का मार के स्टार्ट हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं, तो फिर कैसे करोगे, फिर भी तो ले जानी पड़ेगी बैटरी, गाड़ी चली जाएगी ना फिर तो। मारो धक्का, देखो मुंह में खुशी तो आ गई होगी, बैटरी केवल डाउन है बस। क्लच दबा के होती है स्टार्ट, ये अब इन्हें कट कट आवाज करेगी, करो फिर से एक बार, बैटरी ही है यही है, कोई फ्यूज तो नहीं उड़ गया कहीं, ओबीडी लगा लो। हाँ ओबीडी में समझ में आ जाएगा क्या इशू है, से बंद कर दो, बताओ। नई नई गाड़ी मेरी, अब आ जाती है, कमी क्या करा जा सकता है। बताओ क्या करा, गाड़ी बहुत सटा के लगाई हुई हमने और घुसने में भी दिक्कत आ रही है। क्या क्या खा रहे हो, कसम बताओ। ओबीडी किट लगाने की बारी आ चुकी है, अब बिना डैशबोर्ड उतारे ये पोर्शन उतारे ओबीडी मुश्किल है, लगे नहीं लग पाएगा ना, डैशबोर्ड खुल नहीं रहा, क्या बताएं यार। तो ये खोल लिया गया है इसका, क्या बोलते हैं उज्जवल इसको, ओबीडी।
नहीं, डैशबोर्ड का निचला पोर्शन और अब ओबीडी लगा के चेक करते हैं, देखते हैं क्या कमी है गाड़ी में। ये लो चाबी भाई, ये ओबीडी का फिर कैसे होगा, फोन पे आ जाएगा। और घुमाओ एक बार, अभी पूरा नहीं हुआ। यस, ब्लूटूथ वगैरह से कनेक्ट रहता है क्या? हाँ। अच्छा, ब्लूटूथ से कनेक्ट रहेगा, ये हर गाड़ी में काम करता है। बढ़िया चीज है ये तो। अगर यही चीज अगर कंपनी में करने वाने जाओगे स्कैनर हटाने, 1200 रुपए चार्ज लेते हैं। हाँ? सेम यही चीज का। अच्छा, तो ये आप 450 रुपए का ये लेके फिर आप अपना फोन से कनेक्ट करके अपनी गाड़ी की एक दिक्कत। तो अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में। तो कोई प्रॉब्लम है नहीं गाड़ी में, शायद बैटरी डाउन हो गई है, देखते हैं। धक्का मार के स्टार्ट करा जाए? मोनू धक्का मारेगा, हम बैठेंगे। अब एक बार ट्राई मारते हैं ओबीडी की, चेक करने के बाद शायद स्टार्ट हो जाए। करो। नहीं हो रही, बैटरी डाउन है। तुम मिस्त्री हो पैसे से? यूट्यूबर मिस्त्री दोनों यार। हमने धक्का मारा और कार स्टार्ट हो गई है, और चेक इंजन लाइट वगैरह सब कुछ जा चुकी है, देख लो। मस्त कार स्टार्ट ही है, देखो। रिवर्स गियर पे करके हमने धक्का मारा था, सिर्फ बैटरी की प्रॉब्लम थी ना, सिर्फ बैटरी की प्रॉब्लम थी। और फालतू ओबीडी वगैरह हमने खोल लिया, और ओबीडी स्कैनर से जो प्रॉब्लम थी वो डिलीट कर दिया, चेक इंजन लाइट भी जा चुकी है गाड़ी की, हो गई कंप्लीट गाड़ी। तो यार गाड़ी देख लो अपनी, सही हो चुकी है पूरी। मीटर पे दिखाओ यार, देखो कोई भी इंजन चेक लाइट वगैरह कुछ भी नहीं आ रही है, और सिर्फ बैटरी डिस्चार्ज थी। मैं फॉर्म का इतना परेशान हो गया था कि सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, मैं मार उसका वो जो ओनर्स मैनुअल नहीं होता उसका 24/7 ये वो दुनिया भर की चीजें मैं देखने लग गया था। फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ी सही हो गई, सिर्फ धक्का मारा है और ओबीडी पोर्ट आता है 400-500 रुपए का, उसको स्कैन कर लिया था तो इंजन चेक लाइट जो थी वो भी चली गई थी। अब हम लोग गाड़ी को लमसम 10-12-15 किलोमीटर चलाएंगे, जो बैटरी डिस्चार्ज थी थोड़ी सी वो चार्ज हो जाए, उसके बाद सीएनजी भरवा लेंगे। तो गाड़ी नहीं सही हुई है अपनी, फिर से खराब हो गई, देख लो आप। ये बंदा नीचे घुसा हुआ है, कुछ चेक कर रहा है, इलेक्ट्रीशियन है ये। हुआ यूं कि हम लोग सीएनजी पंप पर गए, कम से कम 25 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हमने सीएनजी भराई, और उसके बाद जब हमने दोबारा गाड़ी स्टार्ट करी तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल में किस तरह धक्का मार करके हम उसको ले करके आए हैं यहाँ पर पे, और अभी ये बंदा चेक कर रहा है। हालांकि इन्होंने वैसे तो बताया है कि इसका शायद सेल्फ स्विच वगैरह कुछ खराब हो चुका है, और अब ये वैसे नीचे जा करके चेक करेगा क्या खराब है क्या नहीं। तो यार गाड़ी नहीं बनी, मैंने तो अच्छा खासा वीडियो एंड कर दिया था कि बन गई है, लेकिन यार नहीं बन पाई है गाड़ी। यार गाड़ी वाड़ी नहीं बनी, देखा ही आपने वो बंदा कैसे कार के नीचे घुसा हुआ था। इसका क्या खराब हो गया, क्या बता रहे थे उज्जवल? सेल्फ स्विच। इस गाड़ी की सेल्फ स्विच खराब हो गई है, और 1500 की सेल्फ स्विच और 500 रुपए लेबर, यानी कि 2500 रुपए का खर्चा ये लोग बता रहे हैं। और अब कल कंपनी ले जाएंगे सर्विस सेंटर में, देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। मैंने इनसे बनवाना सही नहीं समझा, अब सर्विस सेंटर पे ले जाएंगे। लेकिन यार ये नई गाड़ी में पता नहीं क्या नाटक है टाटा का भाई। अच्छी खासी बने तो वीडियो एंड कर दी, सीएनजी पंप में गए गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, फिर धक्का मार के फिर इनके पास लेके आए, तो उन्होंने तब चेक किया, इन्होंने कहा भाई ये सेल्फ स्विच खराब है गाड़ी, आपको तो कंपनी ले जाओ या तो हमसे बनवाओ 2500 रुपए में। अब मैं क्या बताऊं, चलो वीडियो को अब खत्म करो यहीं पर। अब कल जब सर्विस सेंटर जाते हैं वहां पे क्या क्या होता है वो सब आपको अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा।